गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दैट व्हाट इज द राइट वे टू अपलोड रिज्यूमे ऑन लिंक्डइन एंड आई एम गोना बी टेलिंग यू गाइस थ्री वेज। तो विद दीस थ्री वेज तुम्हें एक सही तरीका पता लगेगा रिज्यूमे अपलोड करने का ऑन लिंक्डइन, राइट। एंड विद दिस थिंग आई हैव आल्सो गॉट थ्री, मतलब मेरे को तीन इंटर्नशिप ऑफर मिले थे, ठीक है। क्योंकि यार आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता होता कि रिज्यूमे कैसे अपलोड करते हैं लिंक्डइन पे एंड व्हाट इज द राइट वे, ठीक है। मतलब पता होता है बट राइट वे उन्हें नहीं पता होता। तो आई एम गोना बी टेलिंग यू गाइस थ्री वेज विद विच फर्स्ट एंड थर्ड वे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे। सेकंड ठीक है, कर सकते हो उस तरीके से भी, बट फर्स्ट एंड द थर्ड वे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, राइट। सो विद दिस बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो यार अब देख लेते हैं कि अगर हमें रिज्यूमे अपलोड करना है तो व्हाट इज द राइट वे टू अपलोड रिज्यूमे ऑन लिंक्डइन। सो सबसे पहला तरीका देखेंगे। सो पहले तरीके में यार क्या है कि आई विल प्रोवाइड यू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तुम्हें उस लिंक पे क्लिक करना है एंड यू विल लैंड अप हियर, राइट। तुम ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम इस लिंक पे क्लिक करना एंड तुम्हें कुछ ऐसा पेज दिखेगा, राइट। एंड तुम्हें तुम्हारे जितने भी तुमने अभी तक रिज्यूमे अपलोड करे हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अपलोड योर रिज्यूमे, जो भी तुम्हारा लेटेस्ट या फिर नया रिज्यूमे है तुम्हें इधर क्लिक अपना रिज्यूमे लगाना है और उसे अपलोड करना है, राइट। सो मान लो कि ये मेरा रिज्यूमे था एंड मैंने यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। सो वंस यू अपलोड ना, ये अब तुम्हें हर जगह रिफ्लेक्ट होगा जितने भी जगह तुम भरोगे। तो इसका यार एडवांटेज क्या है कि तुम बहुत सारे रिज्यूमे एक ही टाइम पे इधर अपने अपलोड कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए अलग तुम्हारा रिज्यूमे होगा, वेब डेवलपर के लिए अलग होगा, ठीक है, ML एंथुसियास्ट वालों के लिए अलग होगा। तो इन सब के लिए अलग अलग रिज्यूमे तुम्हें बनाने पड़ेंगे एंड जिस भी प्रोफाइल के लिए तुम सेलेक्ट कर रहे हो, जिस भी प्रोफाइल के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें रिज्यूमे इधर से चूज करना पड़ेगा, राइट। तो इधर से तुम डायरेक्टली वो कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो अपने रिज्यूमे, ठीक है। नाउ ये था मेरा यार फर्स्ट पहला तरीका। अब इसका एडवांटेज क्या है, तुम फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जॉब्स पे जाते हो, सो वट यू कैन डू इज तुम इधर तुम्हें दिख जाएंगे जितने भी जॉब्स वगैरह हैं, ठीक है। एंड यार तुम नीचे आओगे ना तो तुम्हें फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए करते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई करते हैं तो तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना, तुम्हें इधर इजी अप्लाई पे क्लिक करना है। अभी ऑप्शन आएगा इधर इजी अप्लाई, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें नेक्स्ट करना है एंड तुम्हारे पास वो रिज्यूमे आ जाएगा जो तुमने उधर अपलोड करा था, राइट। तो ये रिज्यूमे आ गया, देन नेक्स्ट, देन जितने भी तुम्हारे वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ करके फिल कर देना। सो द एडवांटेज मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से तुम डायरेक्टली अपने रिज्यूमेज अपलोड कर सकते हो जितने भी तुम्हारे रिज्यूमे हैं, ठीक है। एंड जिस भी प्रोफाइल के लिए तुम्हें फिर अपना वो करना है उसको वो वाले तुम रिज्यूमे सेलेक्ट करके प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो यार ये सबसे अच्छा तरीका है, दिस इज द नंबर वन मेथड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जिन भी तीन तरीके की मैं बात करूंगा उसमें सबसे अच्छा तरीका यही, राइट। नाउ यार सेकेंड तरीके की बात करते हैं। तो दूसरा तरीका जो है हमारे पास वो उसके लिए हमें यार प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा हमारी। एंड प्रोफाइल में जब तुम जाओगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड प्रोफाइल सेक्शन, एंड ऐड प्रोफाइल सेक्शन के अंदर तुम्हारे पास एक फीचर्ड ऑप्शन होता है और इस फीचर्ड ऑप्शन के अंदर तुम मीडिया ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि फीचर्ड ऑप्शन में तुम देख रहे हो कि ये मैंने मीडिया ऐड करी हुई है एक, तो इसी तरीके से तुम इधर मीडिया की मीडिया ऐड करते टाइम तुम अपना इधर रिज्यूमे ऐड कर सकते हो, राइट। तो अगर तुम फीचर्ड पे जाओगे और तुम मीडिया पे सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारा मीडिया जो भी तुम्हारा है वो मीडिया तुम इधर सेलेक्ट करके इधर डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फीचर्ड वाले तरीके में तुम अपना रिज्यूमे जो है डाल सकते हो। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज मेथड्स, अगर तुम्हें ये जानना है कि एक रिज्यूमे कैसे लिखा जाता है, व्हाट इज द राइट वे टू राइट अ रिज्यूमे, तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर भी एक डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, राइट। तो रिज्यूमे यार मतलब ऑब्वियसली जिस भी प्रोफाइल के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड तुम्हारा रिज्यूमे होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब एक अलग बात है। नाउ एक तरीका ये होता है कि यार लिंक्डइन पे फीचर्ड वे में तुम अपना यहाँ पर रिज्यूमे दिखा दो, बट ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता। जो तुम्हें मैंने फर्स्ट मेथड बताया दैट इज नंबर वन मेथड, दिस इज टाइप टू और मेथड टू और वे टू। अब वे थ्री देख लेते हैं कि यार हम रिज्यूमे कैसे अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो यार मेथड नंबर थ्री की बात कर लेते हैं। मेथड नंबर थ्री इज नथिंग बट योर लिंक्डइन प्रोफाइल इटसेल्फ, राइट। अच्छा अब मैं एक चीज पूछता हूँ कि यार रिज्यूमे कितने पेज का होता है? रिज्यूमे मैक्स टू मैक्स दो पेज का होता है यार, ठीक है। अब अगर हम दो पेज की बात करें तो तुम रिज्यूमे में क्या शो करते हो?
रिज्यूमे में तुम अपने बारे में शो करते हो अबाउट सेक्शन में, राइट? फिर तुम अपने फीचर्ड में तुमने कुछ डाल रखा है तो वो, देन तुम अपनी एक्टिविटीज एक्सपीरियंसेस शो करते हो, राइट? एक्सपीरियंसेस के बाद एजुकेशन, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट्स, वॉलंटियर एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड एंडोर्समेंट, मतलब स्किल्स अपनी शो करते हो, और किसी ने रिकमेंड कर रखा है तो तुम्हें वो रिकमेंडेशन भी लिखी जा सकती है, राइट? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यार तुम्हारी जो लिंक्डइन प्रोफाइल होगी दैट इटसेल्फ वर्क्स एज अ रिज्यूमे, ठीक है? तो अगर तुम लिंक्डइन पर, मान लो तुम लिंक्डइन से किसी कंपनी पे अप्लाई कर रहे हो, तो तुम मेथड नंबर 1 को यूज कर सकते हो, अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो। वहीं पर अगर तुम किसी कंपनी की साइट पे जाके अपलोड कर रहे हो तो वो हमेशा, मतलब अब तो हमेशा ही मांगने लग गई और लिंक्डइन प्रोफाइल, तो लिंक्डइन प्रोफाइल तुम अगर अपनी अच्छी सी बना के रखो तो दैट विल गिव अ बूस्ट टू योर, मतलब इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग एन गुड इंटर्नशिप और अ जॉब, राइट? तो ये एक चीज है। एंड प्लस तुम अगर सेकेंड तरीका जो फीचर्ड वे था उसको और थर्ड तरीका अपनी प्रोफाइल को अगर साथ में बिल्ड करोगे, दैट विल गिव अ बूस्ट टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है? अगर फीचर्ड वे में अगर तुम यहाँ पे अपने रिज्यूमे को लिखोगे और एक अच्छा सा अपने, मतलब एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओगे और एजुकेशन सर्टिफिकेशन, मतलब जितनी भी चीजें तुम्हारे पास हैं, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो सारे तुम इधर अपलोड कर सकते हो, एंड दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू गेट एन इंटर्नशिप, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, एंड आई होप कि तुम्हें मेथड नंबर 1, मतलब वे 1, सेकेंड वे और थर्ड वे, तीनों तरीके समझ में आए होंगे, एंड आई होप दिस विल गोइंग टू बूस्ट योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड दिस विल गोइंग टू बूस्ट योर चांसेस ऑफ गेटिंग एन इंटर्नशिप और अ जॉब। सो आई होप गाइज कि यू हैव लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोज एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।